तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी बीएड 2021-23 में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट गिवन ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाता है। देखिए फॉर्म आप यहाँ से भी भर सकते हैं, मगर आसानी होगा कि अगर आपने डेस्कटॉप साइट ऑन कर लिया, ठीक है। तो जैसे आप डेस्कटॉप साइट ऑन करते हैं आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आता है। आप ऊपर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा होगा एडमिशन, एडमिशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर लिख के आएगा यूपी बीएड जेई 21-23, ठीक है दोस्तों। तो आपने 21-23 पे यूपी बीएड जेई, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया, एक मिनट। आपने एडमिशन पे यूपी जेई बीएड 21-23 पे आप जैसे क्लिक करते हैं आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट लॉगिन फॉर काउंसलिंग तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल के आता है। ओके दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ डेस्कटॉप साइट पे इजीली ये काम हो जाता है। तो डेस्कटॉप साइट पे ये वाला ऑप्शन आपके पास आ गया। आपने यहाँ पे यूज़र आईडी भरना है, लॉगिन पासवर्ड भरना है और यहाँ पे आपका ये जो कैप्चर कोड है वो भरना है। इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर जो स्मॉल हो स्मॉल भरना है, जो कैपिटल में हो कैपिटल में, जो नंबर हो नंबर में भरना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स भरते हैं, डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते हैं फिर आपके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने डेस्कटॉप साइट ऑन किया है तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर ऐसा आपके पास इंटरफेस आ रहा है तो यहाँ पे लिखा होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर ऑल लिखा होगा, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बस उन्हीं को मिलेगा जिनका इस टर्म में मतलब आज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्लॉट बुक है, ये पहले स्लॉट में 1 से 70,000 तक के बच्चों का होगा, तो ठीक है। तो जब आपका डेट आ जाएगा तभी आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन मिलेगा। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से कंफर्म करना है, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं और जैसे ही आपको क्लिक करते हैं आपकी पर्सनल जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फॉर्म भरी थी वो डिटेल्स, इसमें आपका नाम, रोल नंबर्स, जेंडर, मोबाइल नंबर्स और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नीचे आपका राउंड और यहाँ पे फेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। पर्सनल डिटेल्स को आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आपका मेन इसमें आपको करना क्या है, उसमें कुछ नहीं करना, मेन आपको अकाउंट डिटेल्स पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स जैसे ही आपको भरना है उसके ऊपर आपको एक सूचना दी गई होगी। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है कि कृपया अपने बैंक खातों का विवरण सावधानीपूर्वक भरें। एक्चुअली बैंक खाता भराया क्यों जाता है कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के बाद जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि आप अपने अकाउंट डिटेल्स भरिए किसी साइबर कैफे वालों ने। एक्चुअल में आप साइबर कैफे वालों का भर भी नहीं सकते, मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए तो पहली सूचना हो गई कि अपना सावधानपूर्वक डिटेल्स भरें क्योंकि आवंटित ना होने पर, कॉलेज आवंटित ना होने पर आपका क्या होगा, पैसा उसी खाते में रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा सूचना यह है कि अभ्यर्थी के हित में उन्हें परामर्श दिया जाता है कि जो जनधन खाता योजना था जो सरकार के द्वारा खुलाया गया था उसमें कुछ क्रेडिट लिमिट होती है तो हो सकता है उसमें पैसा रिफंड ना हो, इसलिए आप अपना सेविंग अकाउंट डाल सकते हैं, अपना नहीं तो मम्मी और पापा किसी का अकाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। जनधन खाता योजना ना डालें, इसमें परामर्श दिया गया है, तो ठीक है। अब अकाउंट नंबर डिटेल्स भरना कैसे, आपको यहां पे अकाउंट होल्डर नेम और ये सारी डिटेल्स दिख रही हैं। मैंने क्यों कहा कि आपने किसी और का नहीं भर सकते, क्योंकि जैसे ही आप अकाउंट नेम पे क्लिक करते हैं ना, अकाउंट होल्डर नेम पे आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 3 नाम आ जाएंगे, उसमें आपका नाम रहेगा, मम्मी का नाम रहेगा और पापा का नाम रहेगा। तो आप कौन से अकाउंट, किसके अकाउंट आप फिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने स्वयं अपना भर दिया तो आप अपना भरा है तो आप अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक का नाम आपने पूरा लिखना है। जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है तो आपको PNB नहीं पंजाब नेशनल बैंक लिखना है और बैंक कौन से ब्रांच में है, कौन से सिटी में, तो ब्रांच नेम आपको यहाँ लिख देना है। अकाउंट नंबर कन्फर्म कराइए और बैंक की IFSC कोड डालिए, ठीक है। और जो आपने डिटेल्स भरी है उसका बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी आप चाहे मोबाइल से स्कैन करें या फिर साइबर से स्कैन कराएं और साफ सुथरी स्कैन कॉपी करा लीजिए। वो पेज कराइएगा जिस पे अकाउंट नंबर लिखा हो, जो भी आप अकाउंट नंबर यहां डाल रहे हैं वो अकाउंट नंबर लिखा हो, वो वाली कॉपी स्कैन करके आप यहां चूज फाइल में भर दीजिए। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि वो मैक्सिमम 100 KB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 100 KB के अंदर वो करा के आपको यहां पर अपलोड करना है और जैसे ही अपलोड करते हैं आप ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही आप अपलोड करते हैं आपका फाइल नेम यहाँ पे फाइल नेम लिख के आ जाता है जिस नाम से होगा। तो प्लीज़ आपका अपलोड जब जैसे होता है यहाँ पे प्रीव्यू भी करके देख लीजिएगा। जैसे आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपका जो बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी है वो सामने खुल के आ जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा कि अकाउंट नंबर विजिबल है कि नहीं, ठीक है। वैसे देखिए पैसा रिफंड हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि आपको फिर इसके बाद पेमेंट चेक कर लेना है, आपको कितने पेमेंट करने हैं, 5,750 यानी कि टोटल इतने पेमेंट करना है, फिर आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपको एक बार कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप फाइनली आप सारे डिटेल्स सही हैं कि नहीं। जब वहाँ पर आप कन्फर्म करते हैं तो फिर उसके बाद आप बैंक डिटेल्स पे आ जाते हैं। बैंक डिटेल्स में यहाँ पे अपना आप पर्सनल आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ जाके मेक पेमेंट कर दीजिए। मेक पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाता है, खाते से 5,750 रुपये कट जाते हैं, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो सबसे मेन आप जब वहाँ पर साइट पर आएंगे तो आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स दिखी रहेगी वहाँ पर, ठीक है। तो आपको प्रिंट करना है, प्रिंट कहाँ से करेंगे, जहाँ से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया वहीं के बगल में आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग प्रिंट, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में ऊपर ऑल आ रहा है तो आप ऑल
पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको आएगा क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग प्रिंट, ठीक है। तो वहाँ से आपको काउंसलिंग प्रिंट ले लेना है। काउंसलिंग प्रिंट कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होती है, इसको आप हमेशा संभाल के रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड फर्स्ट ईयर 2021-23 में करने जा रहे हैं, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप सेपरेट अपना एक फाइल बना लीजिए, उसमें बीएड से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस होती है। जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, आप जब कॉलेज में जाएंगे तो एक एक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। तो आप अपने एक सेपरेट फाइल बना लीजिए, उसमें बीएड से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे रखा करिए, उसकी फोटोकॉपी वहाँ पे रखा करिए, ठीक है। और एक बीएड व्हाट्सएप ग्रुप है जो 2021 और 23 के लिए बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है, 21 और 23, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और दोस्तों, अभी तो आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, बाकी जो भी जैसे अब नेक्स्ट काउंसलिंग प्रक्रिया कैसी होती है, कॉलेज कैसे फिल करना है, यूनिवर्सिटी कैसे चूज करना है, सब्जेक्ट्स कैसे चूज करना है, तो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मुझे खुशी होगी अगर आप चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाते हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं शुरू में कभी नहीं कहता हूँ कि आपको चैनल से जुड़ना है, पहले आप पूरा वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि वीडियो और चैनल हेल्पफुल है, तब आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मुझे खुशी होगी अगर मेरी कंट्रीब्यूशन आपको पसंद आती है और आप चैनल से जुड़ते हैं, ओके दोस्तों। कोई समस्या हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, अपना खूब ख्याल रखिए, धन्यवाद।